हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी, उसके फॉर्मूले हमने सीखे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनानी सीखी, और अब इस ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसकी हम एप्लीकेशन सीखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। मैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले आपको लिखवा देता हूँ एक साथ, जो पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मैंने चैप्टर 8 में बनानी सिखाई है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। इसमें जो यूज होगी सबसे ज़्यादा वैल्यू वो होगी आपकी टेन थीटा की। टेन थीटा के अंदर भी सिर्फ तीन वैल्यू आप अच्छे से याद रख लो, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री। ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, हर क्वेश्चन के अंदर आपके ये वैल्यू काम आने वाली है। 10 30 आपका कितना होता था? 1/√3। 10 45 कितना होता था? 1। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3। ठीक है, ये हमने सीखी है चैप्टर 8 में। फिर उसके बाद आपको साइन थीटा की वैल्यू, अगर आप दो वैल्यू याद रख लोगे, सिर्फ साइन 30 ये कितना होता है आपका? 1/2, और साइन 60 कितना होता है आपका? √3/2, तब भी आपका इस चैप्टर में काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर कोस की वैल्यू आपको देखनी है, कोस थीटा, तो कोस 30 याद रख लो, कोस 60 याद रख लो। कोस 30 क्या होता है आपका? √3/2 होता है, और कोस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये आपको क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद रखनी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें हम साइन थीटा का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का हम फॉर्मूला यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगा वो क्या होगा आपका? टेन थीटा यूज होगा। ठीक है, तो इसको तो आप जो है ना रट लो, ये सारी चीजें तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके काम आएगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद मैं आपको एक बताया था, मैंने आपको जो एमसीक्यूज मैंने आपको लेक्चर कराया है एमसीक्यूज का, उसमें मैंने आपको बताया कि 30 60 90 रूल क्या होता है। मैं फिर आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इस रूल को सीखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो पहले पता हो जाएंगे, और आंसर अगर आपको पहले पता है किसी क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, 30 60 90 रूल क्या कहता है? जैसे एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का, ये तो फिक्स है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, उसमें से 90 ये हो गया, तो बाकी दो एंगल बच गए ये वाले। अब इन दोनों का सम कितना है? 90 बच गया, क्योंकि 180 में से ये 90 माइनस करोगे तो बाकी बच गए 90। 90 सम इन दोनों एंगल का है, इसका और इसका। ठीक है, इसमें से अगर मान लो एक 30 डिग्री का है और एक कितना है? 60 डिग्री का। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, एक एंगल कितना है? 30 का, और एक कितना है? 60 का। अब अगर 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 30 डिग्री के ओपोजिट में कौन सी साइड है बताओ? ये वाली साइड है, 30 के ओपोजिट में ये साइड है। मैं मान लेता हूँ ये साइड कितनी आपकी? 1 सेंटीमीटर है। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि 30 के ओपोजिट में जो साइड है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो 90 के ओपोजिट में जो साइड होगी ना वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसका डबल होगी। बस आपको ये बात याद रखनी है, 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? इससे डबल, यानी कि 2 होगी। अब बात रहती है किसकी? 60 की। 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। 60 के सामने यानी कि जो ये साइड होगी, जो 30 के सामने वाली साइड है ना 1, इसको √3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी? 60 के सामने वाली साइड। तो मैं आपको रिलेशन लिखवा देता हूँ एक बार फिर से, क्या रिलेशन है। मान लो 30 डिग्री के सामने जो साइड है, 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो कितनी है? 1। तो 90 के सामने कितनी होगी? डबल होगी इसकी। 90 के सामने कितनी हो जाएगी? डबल, यानी कि 2। और 60 के सामने कितनी होगी? 60 और 30 का आपस में रिलेशन होता है, 60 के सामने कितनी होगी आपकी? जितनी 30 के सामने है ना उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × √3, यानी कि कितनी होगी? √3। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना आप कि ये फिक्स है कि 30 के सामने हमेशा 1 ही होगा। 1 का मतलब, जैसे मान लो आपका डायग्राम ये आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मान लो एंगल आपका कितना है? 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा आपका? 30 होगा पक्का। ये कितना होगा आपका? 30। आपको ये साइड दे दी कितनी? 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछिए कि ये साइड बताओ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ कि देखो 30 डिग्री के सामने कितनी साइड है आप मेरे को बता दो। आप कहोगे जी 10 है, 30 डिग्री के सामने कितनी? 10। तो 60 डिग्री के सामने पता है कितनी होगी? ये होगी, जो ये 10 है ना इसको √3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि
टेन रूट थ्री, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी आपकी, टेन रूट थ्री। अगर आपसे पूछ लिया जाता हाइपोटेन्यूज, ये 30 के सामने जितनी भी साइड होती है ना, ये उसका क्या होती है, डबल होती है 90 के सामने, यानी कि 10 इंटू टू 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले ही पता कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो एक रूल तो आपका कौन सा है, 30, 60, 90, ये पॉइंट बना के आप लिख लो। अब एक रूल कौन सा है दूसरा, 45, 45 रूल, या 90, 45 और 45। देखो तीनों एंगल का सम कितना है आपका, 180 डिग्री। तो अगर मान लो आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया कि ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, और ये दोनों एंगल कितने कितने के हैं, 45, 45 के हैं। देखो आपने 9th क्लास में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक ट्रायंगल है, अगर इसमें ये दो एंगल इक्वल है, ये भी 45 और ये भी 45, तो इन दोनों एंगल के जो ओपोजिट में साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। यानी कि इस 45 के ओपोजिट में ये साइड और इस 45 के ओपोजिट में ये साइड, ये दोनों भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मान लो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि ये एंगल आपका कितना है, 45 है, अगर ये 45 है तो कन्फर्म है ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90। और आपको साइड कह दे कि ये 30 मीटर है, तो बताओ ये कितनी होगी। आप बिना देखे कह देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये साइड और ये साइड तो इक्वल होती है, तो ये 30 है तो ये भी कितनी होगी, 30। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सभी क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया दो रूल, 30, 60, 90 के, और एक रूल 90, 45 और 45 का। तीसरा पॉइंट आप इसमें नोट कर लो, आपको वैल्यू याद रखनी है एक रूट थ्री की और एक रूट टू की। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपकी ये वैल्यूज यूज होती है, ठीक है। वैसे तो एग्जामिनर पेपर में कहेगा कि इनकी वैल्यू पुट करनी है या फिर उतना ही आंसर छोड़ दो, लेकिन मान लो फिर भी आपको पेपर में ना गिवन हो और आप पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो। रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कभी भी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अगर और अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो इसकी 1.73 लिख देना आप एग्जाम में, और इसकी 1.41 लिख देना, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट अगर आपको करना है इसको, तो इसको ये पॉइंट के बाद 3 भी हटा दो तो सिर्फ 1.7 लिख दो, इसको 1.4 लिख दो, ठीक है। लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू आप लिखोगे उतना ही आंसर एग्जैक्ट आता है, ठीक है। तो आपको अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हो, 1.7 लिख देना इसको रूट थ्री को, और रूट टू को क्या लिख देना, 1.4। आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा, एग्जामिनर बोर्ड में गलत नहीं करता, ठीक है। इतना वो भी समझता है कि 1.7 और 1.73 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर में दे दे कि रूट थ्री की वैल्यू ये यूज करो या फिर ये यूज करो, फिर आपको 1.7 यूज नहीं करनी, क्योंकि जब उसने बोल ही दिया आपको कि रूट थ्री जहाँ पे भी आएगा आपके क्वेश्चन में उसको 1.732 ही लिखना है, फिर हमारे को वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये दो वैल्यू आप याद रख लो। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर क्या यूज होता है आपका, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं ये मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होने वाला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन का ज़्यादा यूज होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। यानी कि मान लो आपकी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 14 क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज होता है। जैसे मान लो ये एक टावर है, ये क्या है, एक टावर है, आप यहाँ पे खड़े हो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से आपने देखा कहाँ पे, टावर के टॉप पे, टावर के टॉप पे देखा आपने, यहाँ पे ये टावर का टॉप है, ठीक है। टॉप का मतलब सबसे ऊंचे वाला बिंदु ये, और आपका ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। आपने इस पॉइंट पी से, यहाँ खड़े हो आप इस पॉइंट पी से टावर के टॉप पे देखा, तो ये एंगल कितना बना आपका, 60 डिग्री। किसके साथ 60 डिग्री, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो। आपने क्या देखा, नीचे से ऊपर देखा, नीचे से ऊपर देखना है, तब क्या बनेगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो। मान लो ये टावर है, ये टावर है, आप टावर के ऊपर बैठे हो, यहाँ पे, यहाँ पे कौन बैठा है, आप बैठे हो, और यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पे एक गाड़ी है, और आपने इस गाड़ी को देखा ऊपर से नीचे, कितने डिग्री के एंगल पे देखा, मान लो आपने 30 डिग्री के एंगल पे देखा, कितना भी हो सकता है, मान लो आपने 30 डिग्री के एंगल पे देखा,
ऊपर से नीचे अगर आप देखोगे तो लाइन, ये इसको बोलते हैं जो ये मैंने टिक की थी ना लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये साइट का मतलब नजर, ये आपकी आंख है, तो आंख धरती से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जाएगी ऐसे, और ये लाइन यहाँ जाएगी 60 डिग्री के एंगल पे, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप यहाँ पे हो तो ये होगी आपकी क्या, लाइन ऑफ साइट, अब की बार ऊपर बनेगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्या बैठे हो, ऊपर बैठे हो, ये बनेगी आपकी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, तो मेरे को बता दो एंगल कौन सा होगा, मान लो 30 डिग्री है ये, लेकिन एक छोटी क्लास में, 9th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये दो लाइन पैरेलल होती है, कौन कौन सी, ये और ये वाली लाइन, अगर दो पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो देखो ये एंगल इस लाइन के अलोंग जाओ, इस लाइन के अलोंग जाओ, और ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, 30 डिग्री, यानी कि आपको डायग्राम यही यूज करना है, ट्रायंगल यही यूज करनी है, लेकिन डायग्राम बस बना के आपको एग्जामिनर को दिखाना है ये पूरा, ताकि वो आपके नंबर ना काट सके, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन हैं इस पूरे चैप्टर में, और एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। पहले हम करते हैं एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं हर एग्जाम्पल को आपको ये बताऊंगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फटाफट आपको कैसे सोल्व करना है, और सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इसमें कहता है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली क्या होता है, बिल्कुल सीधा, एक टावर बिल्कुल सीधा खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो बना दो आप डायग्राम, सबसे जरूरी है इस पूरे चैप्टर में क्या, डायग्राम, एक टावर बना दो, जब भी टावर आए, बिल्डिंग आए, पोल आए, यानी कि खंबा, आपको ऐसी फिगर बनानी है, ठीक है, ये क्या है, टावर है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा ये क्या कहलाता है, टावर का फुट, यानी कि इसका क्या, फुट कहलाता है इसका, और ये क्या कहलाता है, इसका टॉप कहलाता है, ये है फुट, ये सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये टावर का फुट है, ये टावर का टॉप है, एक पॉइंट है जो फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो मतलब इस फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लो कौन सा है, वो पी है, आपने यहां से देखा कहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, आपने इस पॉइंट से टावर के टॉप पे देखा, और टॉप पे जैसे ही देखा तो ये एंगल बना कितना, 60 डिग्री का, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालनी है, टावर की हाइट, हाइट को आप क्या मान लो, एच मान लो, और डायग्राम आपने जो बनाया ये पी मान लो है, ए बी सी पी क्यू आर, आप कुछ भी नाम दे दो, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ये पी है, इसको क्यू नाम दे दो, इसको आर नाम दे दो, नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी कैपिटल लेटर दे सकते हो, अल्फाबेट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ना आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ना आंसर पे कोई फर्क पड़ना कि आपने नाम क्या दिया है। अब आप मेरे को बताओ, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, एग्जाम में बस आपको इतना लिखना है, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखो फॉर्मूला हमेशा किसका लगाओ, टेंजेंट थीटा का, जहां दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, टेन थीटा क्या होता है आप मेरे को बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, एच, बेस कितना है आपका 15, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच कितना आ गया आपका 15 √3 मीटर। सो लास्ट में आप क्या लिखोगे बताओ, हाइट ऑफ टावर, आपसे हाइट ऑफ टावर पूछी गई है, तो हाइट ऑफ टावर कितनी है आपकी, 15 √3 मीटर, लगाना मत भूलना, मीटर है या सेंटीमीटर है जो भी, अदरवाइज आपका नंबर पेपर में काट लिया जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही होते हैं, नंबर जरूर काटेंगे। आप लिखो, अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप क्या लिख देना, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को आप क्या मान लेना, एच मीटर मान लेना, ठीक है, फिर लिखो आप नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बस उसके आगे फिर ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया तो मैं कहता हूँ आपको डायग्राम बनाओ, बस आप सीधा डायग्राम, आपको पता लगी क्या कैसे बनाना है, ये एंगल कितना 60, ये मान लो आपको पी क्यू आर एक क्या है, ट्रायंगल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये कितनी थी 15, ये 60 है, तो ये कितना बच गया आप मेरे को बता दो 30, मैंने आपको क्या बताया था, 30 डिग्री के सामने कितनी साइड है बता दो आप मेरे को, 15, तो 60 डिग्री के सामने जो साइड होगी ये वाली, वो कितनी होगी, इस 30 का
रूट थ्री से क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यानी कि 15√3 मीटर, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपसे ये साइड पूछ ली जाती, ये वाली हाइपोटेनियस, तो 30 के सामने कितनी है, 15, तो ये क्या होगा, इसका डबल यानी कि 30 मीटर। तो मैंने आपको दोनों निकाल के बता दी, और यही हमारा आंसर देखो पीछे आया था कितना, 15√3, और यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कितना, 15√3। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरीके से सोल्व करके देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसका आंसर पता करना है, और आंसर पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कितनी जल्दी हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अच्छा है काफी। इसमें कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल। पोल क्या होता है, खंबा, जैसे आपके घरों के सामने बिजली के खंबे लगे हैं मान लो, ठीक है, उसमें खराबी आ गई कुछ, आपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, इलेक्ट्रिशियन आया, वो क्या करेगा, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, बिजली का खंबा है ना, ये क्या है, पोल है। लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि बिजली के खंबे में जो तार वगैरह जो सर्किट वगैरह लगे होते हैं वो यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, इसके क्या लगे हैं, थोड़े से नीचे लगे हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है। और उस पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर, यानी कि इस पूरे बिजली के खंबे की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हाइट कितनी है आपकी, 5 मीटर है, ठीक है। फिर कहता है वो लड़की है जो इलेक्ट्रिशियन आई है इस खराबी को ठीक करने, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि ये जो खंबा है ना बिजली का, इसको पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचना, इससे 1.3 मीटर नीचे, यानी कि बताओ ये पूरी 5 है, 1.3 ये होगी, तो बाकी कितनी बच गई फिर, ये वाली, यानी कि पी से लेके, मैं ये डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, देखो डायग्राम मैं अपने तरीके से आसान करके बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे है ये क्वेश्चन, और ये है इसका टॉप, ये है। तो ये तो पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक तो 5 मीटर है, लेकिन आपको 1.3 मीटर नीचे यानी कि इस डिस्टेंस तक पहुंचना है, तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 में से 1.3 माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका, 3.7, 3.7 की हाइट तक ही उसको क्या है, जाना है, ठीक है। अब उसको ये जाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सीडी की, ये क्या लगा दी आपने उसके लिए, एक सीडी लगा दी, और उसने कहा आपको कि सीडी कितने डिग्री के एंगल पे लगाओ, उसने कहा कि सीडी को लगाओ 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। कहता है वो बिजली के खंभे पे पहुंच जाए तो सीडी की लंबाई बताओ, ये सीडी कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो बस क्वेश्चन खत्म। मैंने तो आपको क्या बताया था, देखो ये परपेंडिकुलर, सीडी की लंबाई को आप क्या मान लो, एल मान लो, एक्स मान लो, एच मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है आपका, साइन थीटा, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल √3 इक्वल टू 3.7 को 2 से करोगे 7.4, एल कितना आएगा आपका, 7.4 अपॉन में कितना आएगा आपका, √3, √3 की वैल्यू इसने कहा है कितनी, 1.73, ऊपर नीचे 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये देखो ऐसे अगर समझ नहीं आता तो ऐसे कर दिया करो, 173/100, इस 100 को 10 से 10 काट दो, ये ऊपर ले जाओ, इसको नीचे कर दो, 740 को आप 173 से क्या कर दो, डिवाइड, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, 4.28 मीटर, डिवाइड करके देख लेना पॉइंटों में, ठीक है, 4.28 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, 4.28 मीटर। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर आ गया। फिर कहता है आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, अच्छा पोल का फुट कौन सा है, ये जैसे टावर का फुट होता था, इस सीडी को कहते हैं इसके फुट से आप कितनी दूरी पे रखोगे, तो ये डिस्टेंस पे रखोगे आप, इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है, ये निकालनी है, इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो, ठीक है, तो आपको इस ट्रायंगल की बात करनी है हमेशा, ए बी सी की, तो बताओ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो बताओ कितना आ गया, एक्स √3 इक्वल टू 3.7, एक्स कितना आएगा आपका, 3.7 अपॉन में √3, 3.7 और √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.73। अब आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये क्या था, 7.4 था ऊपर,
और यहाँ पे ऊपर कितना है 3.7, मतलब इसका आधा है, तो आंसर भी क्या आएगा आधा, 4.28 का आधा कितना होता है 2.14। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में अगर आ गए तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे अच्छा क्या है आपका कि थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन को याद रख लो। अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया तो आप इसको याद रखो कि इसका आंसर 4.28 आएगा, ठीक है, और फिर इसका आधा 2 से डिवाइड करोगे, 4 का हाफ कितना होता है 2, 28 का हाफ कितना होता है 14। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें कहता है एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन होता है, कोई भी पर्सन जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। देखो डायग्राम बना लो आप, ये एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, ये व्यक्ति है एक, ठीक है। तो इच 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, ये एक चिमनी लगी हुई है यहाँ पे, ये चिमनी कह लो टावर कह लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने जो क्वेश्चन में गिवन है वो बोल दो, चिमनी है ये। इस चिमनी से इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है 28.5 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, इसकी आंख से, अच्छा ये पर्सन खड़ा है, ये लड़की खड़ी है, इसकी आंख तो यहाँ पे है ना, अब ये अपनी आंख से देखेगी टावर के टॉप पे या चिमनी के टॉप पे, ये डायग्राम आप ऐसे बना दिया करो फिर, ठीक है। अब ये यहाँ से देखेगी लड़की इस चिमनी के टॉप पे, एंगल कितना बनेगा ये 45 डिग्री का बन गया। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, इस चिमनी की हाइट बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। देखो चिमनी ये पूरी है, ये नाम दे दो ए बी सी डी ई, नाम कुछ भी दे दो, कोई आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला, ठीक है। देखो अगर ये 1.5 है इतनी इतनी, तो ये भी तो कितनी होगी 1.5 ही होगी ना, ये पूरी चिमनी है। अगर आप ये हाइट और निकाल लो यहाँ तक, ये वाली ए से लेके बी तक, और उसमें 1.5 ऐड कर देना, तो पूरी हाइट निकल जाएगी ना चिमनी की यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बताओ अब ये ऊपर वाली हाइट निकालना तो क्या है मेरे लिए, बहुत आसान है। इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ एच, ये अगर 28.5 है तो ये भी कितनी होगी आपकी 28.5 होगी, ठीक है ये होगी। अब बताओ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ऊपर वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर ये एच अपॉन बेस, बेस कितना है 28.5 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा कितना है 45, 10 45 कितना होता है आपका 1, तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 28.5 मीटर, यानी कि ये h आया है, ये आंसर नहीं आया, ये h आ गया। पूरी हाइट चिमनी की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी कितनी आएगी आप मेरे को बताओ, हाइट ऑफ चिमनी, तो देखो 28.5 तो ऊपर तक है और 1.5 नीचे है, तो पूरी चिमनी की हाइट कितनी होगी आपकी 30 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, खत्म क्वेश्चन बस। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यानी कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है यहाँ तक, इसकी लेंथ या हाइट कितनी है बिल्डिंग की 10 मीटर है। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, ग्राउंड पे एक पॉइंट आप पी यहाँ पे ले लो, आपने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे देखा और एंगल कितना बना आपका 30 डिग्री बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, हो गया यहाँ तक। अब आगे पढ़ो, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग जैसे आप अपने घर के ऊपर झंडा लगा देते हो, है ना, फ्लैग लगा देते हो, इस बिल्डिंग के टॉप पर ये फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्लैग, इसको फ्लैग की शेप दे दो, अपने तिरंगे की शेप दे दो, ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ये झंडा लग गया। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ क्या होता है, जो ये झंडे की डंडी है, ठीक है, फ्लैग पोस्ट बोल सकते हैं इसको, फ्रॉम पी, इसी पॉइंट पी से आपने झंडे के ऊपरी सिरे पे यहाँ पे देखा, तो एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। तो बताओ 45 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट पी से आप कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा ना पूरा आपका, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कंप्लीट, ये वाला, ये कितना है आपका 45 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या बतानी है, देखो बिल्डिंग की हाइट तो अपने को गिवन ही है, तो आपसे किसकी हाइट पूछेगा, इस फ्लैग पोस्ट की हाइट पूछेगा, यानी कि झंडे की जो ये डंडी लगी हुई है ना, आपसे इसकी हाइट पूछी जाएगी पेपर में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कि ये बिल्डिंग का फुट है और ये पॉइंट पी है, आपसे एक तो ये डिस्टेंस पूछी गई है और एक
ये वाली हाइट पूछी गई है, ये वाली, ठीक है, सिर्फ ये। इसको आप क्या मान लो, एच, और इसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर नाम देने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ये पी है, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, इसको एस मान लो, कुछ भी नाम दे दो, पॉइंट्स को मैं कहता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरे को बताओ कहाँ से आप क्या वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस वाली ट्रायंगल की, क्या इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं बात करूँ तो देखना, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, देखो छोटी ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है, 30 डिग्री। गलती से 45 मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा। ये आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स कितना आ गया आपका 10√3, और √3 की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है बताओ, 1.732, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे सरक जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर। एक्स की वैल्यू आ गई, आपने एक्स माना था इसको, बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से वो कितनी है, 17.32 मीटर। आंसर, एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्या रह गया अब आपका, मेरे को बताओ, आप कहोगे जी दूसरा रह गया ये एच, ठीक है, ये एच कैसे निकाले, अब आप खुद बताओ। देखो अब इस पूरी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल किसमें, एस क्यू पी या पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, नाम कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस जो ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है ना क्यू, ये बीच में आना चाहिए, पी क्यू एस कह दो या एस क्यू पी कह दो, एक ही बात है। अब बताओ क्या करोगे इसमें, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है आप मेरे को बताओ, टोटल यहाँ एस से लेके क्यू तक, यानी कि इतनी इतनी कितनी एच और ये कितनी 10, तो टोटल कितना हो गया, ये एच प्लस में 10 हो गया परपेंडिकुलर। बेस कितना है बताओ मेरे को, एक्स इज इक्वल टू 10√45, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल में जो एंगल काउंट होगा वो कौन सा होगा, 45, और 10√45 कितना होता है आपका, 1 होता है, 10√45 1 होता है, तो बस अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म। अब आप क्या करो, देखो एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स कितना आ गया आपका, एच प्लस में 10, यहाँ में तो क्या निकालना है, एच निकालना है ना, एच कितना आ गया यहाँ से आपका, एक्स माइनस 10। अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो यहाँ पे, ये वाली पुट कर दो आप, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, एक्स माइनस 10, एक्स कितना आपका 17.32 माइनस 10, इसमें से 10 माइनस करोगे तो 7.32 मीटर, तो ये फ्लैग स्टाफ की आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें निकाल के दिखा दी, इस बिल्डिंग की पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस है एक्स, यानी कि 17.32, और इस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है आपकी, 7.32। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये बिल्कुल आसान है और इम्पोर्टेंट है ये सबसे। इसमें कहता है आपको कि द शेडो ऑफ ए टावर, देखो ऐसा होता है जैसे मान लो ये टावर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है, इस टावर की धरती के ऊपर क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी, ये वाली क्या है, मान लो इसकी शेडो है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब कि टावर खड़ा हुआ है कहाँ पे, ग्राउंड के ऊपर, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, यानी कि टावर की शेडो 40 मीटर लंबी है, किससे, वेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन वेन इट वॉज 60 डिग्री। देखो आपको दो एंगल गिवन है, एक 30 एक 60, तो कौन सा 30 होगा कौन सा 60। आपने एक बार आप यहाँ खड़े थे और आपने टावर के टॉप पे देखा एंगल ये बना, फिर आप चलते चलते यहाँ पे आ गए और आपने टॉप पे देखा एंगल ये बना, इन दोनों एंगल में से 30 कौन सा 60 कौन सा। आप जैसे जैसे टावर के करीब आते जाओगे एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये कितना हो जाएगा 90। तो बताओ 30 कौन सा 60 कौन सा, आप कहोगे जी ये 30 है और ये कौन सा 60। हमेशा लाइन के साथ वाला एंगल क्या होता है, बड़ा। ये हो गया। अब ये कहता है पहले सन का एंगल कितना था इस धरती के साथ, 30 डिग्री था, तो आपने टावर के टॉप पे देखा और फिर आपने 60 डिग्री के एंगल पे देखा, तो इसकी जो परछाई है ना टावर की वो 40 मीटर क्या होगी, बढ़ गई। मतलब पहले 60 से देखा आपने, फिर 30 से यहाँ जाके देखा, टावर की परछाई इतनी होगी अब, है ना, और पहले सिर्फ ये थी, तो कितनी ज्यादा होगी आप मेरे को बताओ पहले से। आप कहोगे जी ये वाली ज्यादा होगी, और ये क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, 40 मीटर। बस डायग्राम बन गया ना, उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। आपको हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। टावर की हाइट को आप क्या मान लो, एच मान लो, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, नाम दे दो कुछ भी अपनी मर्जी से, ठीक है। मैंने सबको क्या दे दिया, नाम दे दिया। आपको पूरे टावर की हाइट निकालनी है, देखो ये चीज नहीं है आपके पास, इसको भी आप क्या नाम दे दो, एक्स। तो दो ट्रायंगल का यूज करेंगे, पहले किसमें, इस छोटी ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने क्या कहा था, 10 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया करो बिना देखे,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बताओ, एच अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच कितना आ गया आपका, एक्स रूट थ्री, ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे बताओ, अब आप कहोगे ए बी डी, पूरी बड़ी ट्रायंगल, पूरी बड़ी इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें बताओ वही फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, टेंजेंट का लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अब की बार देखो ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यानी कि एक्स प्लस में 40 इक्वल टू क्या होता है 10, और एंगल कितना है 30, 10 30 की वैल्यू सब जानते हो कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से आप मेरे को बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस 40 वो किसके इक्वल आ गया, एच रूट थ्री, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, आप कहोगे जी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एच की। अगर आपको एच की वैल्यू चाहिए यानी कि एक्स का क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, जिस वेरिएबल का क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता ना, आप उसकी वैल्यू निकाल के और पुट कर दिया करो, ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये रूट थ्री क्या है नीचे चला जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एच बाय रूट थ्री, इस एक्स को क्या पुट कर दो आप, एच बाय रूट थ्री प्लस 40 इज इक्वल टू एच रूट थ्री। अब देखो पूरा क्वेश्चन किस में बन गया आपका, एच में बन गया। अब यहाँ से एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन की इक्वेशन, एच बाय रूट थ्री प्लस 40 इक्वल टू एच रूट थ्री, एच बाय रूट थ्री प्लस 40 इज इक्वल टू एच रूट थ्री। देखो कोई बच्चा जरा सा भी इंटेलिजेंट है तो यहाँ से वो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देगा, उसको पता है ये 40 यहीं रखो, एच और एच वाली टर्म को एक तरफ कर लो, ये प्लस है तो ये उधर आगे क्या हो जाएगी माइनस, दोनों में से आप चाहो तो एच कॉमन ले लो, यहाँ से रूट थ्री बचेगा और यहाँ से 1/√3। अब इसका क्या ले लो आप एलशियम, रूट थ्री क्या आ जाएगा आपका एलशियम, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 - 1 यानी कि 2h/√3 इक्वल टू क्या बच गया आपका 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2h किसके इक्वल आ गया बताओ 40√3, h कितना आ गया, ये 2 नीचे आ जाएगा आपका, h कितना आ जाएगा आपका 20√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, आपको हाइट निकालनी थी टावर की और हाइट कितनी आ गई 20√3। क्वेश्चन सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन आपका आता है 4 नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर है ये। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें अब क्या आ गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए क्या किए आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें हल्का सा जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा डायग्राम में, बाकी फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। तो देखो क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है जिसकी काफ़ी सारी स्टोरी होती है, 5 मंजिला 6 मंजिला 10 मंजिला, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी होती है, वहां से आपने देखा किस पे एक बिल्डिंग के एक बार टॉप पे और एक बार बॉटम पे एंगल इतने इतने बने, ठीक है। तो देखो क्या था, ये मान लो क्या है एक छोटी बिल्डिंग है, ये एक छोटी बिल्डिंग है, या इधर बड़ी बना लो और इधर क्या बना लो आप छोटी बिल्डिंग बना लो, कैसी बना लो एक ही बात है, ठीक है। ये तो क्या है आपकी एक सिंपल बिल्डिंग है जो कितने मीटर ऊंची है, 8 मीटर ऊंची है, ये क्या है आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी को मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो यहाँ पे, और आपने देखा एक बार इस छोटी बिल्डिंग को, देखो आप इसको ना मिला दिया करो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ पे बैठे हो आप, यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, आप लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में डायग्राम बैठ जाए, यहाँ पे आप बैठे हो, बैठे बैठे आपने क्या किया, इसके पहले तो टॉप पे देखा, पहले आप यहाँ पे टॉप पे देखोगे, टॉप वाला एंगल कितना है 30, देखो ये जरूरी है, बच्चे यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, पहले टॉप है तो पहले 30 डिग्री एंगल, ये 30 होगा, फिर आपने क्या किया बिल्डिंग के बॉटम पे देखा, बिल्डिंग का बॉटम कौन सा है ये, यहाँ से बैठे बैठे आप बिल्डिंग के बॉटम पे देखोगे तो एंगल आपका कितना बना बताओ 45, ये 45 है, लेकिन आप कहोगे जी एंगल ऑफ इसमें तो डिप्रेशन था तो हमने डायग्राम तो एलिवेशन का बना दिया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये लाइन ऑफ साइट क्या है आप इसके पैरेलल बना दो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो बस, ठीक है। अब देखो 45 कौन सा होगा, ये 45 है ना, इस लाइन के अलोंग जाओ, इस लाइन के साथ साथ चलते रहो, ऊपर तक पहुंच जाओ इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ, ये वाला एंगल कितना होगा आपका 45। अब आप कहोगे जी 30 कौन सा होगा, मैं कहता हूँ 30 वाली लाइन कौन सी है, ये इसके साथ साथ चलते जाओ, इसके साथ साथ चलते जाओ, पीछा मत छोड़ना इसका, और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा आपका
30 डिग्री, बस डायग्राम बनाना है ये वाला, बाकी इस 30 का और इस 45 का कोई यूज नहीं है, यूज होना है इसका और इसका ही, ठीक है, बस खत्म। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको सबसे पहले ये जो पूरी बिल्डिंग है ना मल्टी स्टोरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी क्या निकालनी है, हाइट। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये 8 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और ई, अगर ये ए बी 8 है आपकी, ए बी और ये सी डी तो क्या है, इक्वल है ना, तो दोनों के दोनों क्या होगी आपकी 8, यानी कि ये भी कितनी होगी आपकी मेरे को बताओ आप, 8 होगी। तो मेरे को सिर्फ ये और निकालनी है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एच मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब देखो, दो ट्रायंगल का हम यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। पहले मैं किस ट्रायंगल का यूज करूंगा, किसी का कर लो, देखो दो बनेगी, एक तो जहां पे 30 डिग्री बन रहा है एंगल, तो कौन सी ट्रायंगल है, देखो ई डी ए या ए डी ई, इसको एक्स मान लो, ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी एक्स, तो अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए डी ई। इस ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच बाई एक्स इज इक्वल टू 10/30। 10/30 कितना होता है आपका 1/√3, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, h√3। ये क्या आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब किस ट्रायंगल में बात करें, अब इस बड़ी ट्रायंगल में ई सी बी या फिर बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई इसकी बात करें तो क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला हमेशा ही परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस 10 का, इसका परपेंडिकुलर क्या है देखो, ये पूरा है ना, यानी कि h प्लस 8 और अपॉन में x इज इक्वल टू क्या 10/45। 10/45 और 10/45 कितना होता है आपका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी h प्लस में 8। अच्छा आपको तो h निकालना है, x की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, h√3 रख सकते हो ना, ये रहा देखो x, x की जगह क्या पुट कर दो, h√3, तो h प्लस में कितना आ गया आपका 8। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, अब देखो h√3 इक्वल टू h प्लस 8 है, h√3 इक्वल टू h प्लस में 8, तो h एक तरफ कर दो, इस प्लस h को इधर लाके माइनस कर दो, तो h कॉमन ले लो, कितना आ गया √3-1। h कितना आएगा आपका, इस √3-1 को क्या ले जाओ नीचे, देखो एग्जाम में आंसर आप कितना भी छोड़ सकते हो लेकिन एग्जामिनर आपका एक नंबर काट लेगा। इससे आगे कैसे सोल्व करना है, रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन क्या होती है, नीचे स्क्वेयर रूट आपको नहीं छोड़ना होता, ठीक है, तो ये √3-1 है ना, इसको √3+1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3+1 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि ये आपका 9th क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगी 8 इंटू ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी होगी √3+1, नीचे फॉर्मूला लगता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वेयर और माइनस में बी स्क्वेयर, तो ऊपर आ गया आपका 8 इंटू √3+1, नीचे आपका कितना आ गया 3-1 यानी कि 2, ये 4 पे कट जाएगा, तो 4 इंटू √3+1 ये किसकी वैल्यू आ गई h की, और h क्या है आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई h 4 इंटू √3+1। एक आंसर तो आ गया, दूसरा क्या है, आपको एक आंसर निकालना था निकाल दिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब ये देखो डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये दो बिल्डिंग है, एक ये यहाँ पे है फुट और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये डिस्टेंस हमने क्या मानी थी x, तो आपको क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, और देखना फर्स्ट इक्वेशन से x किसके इक्वल है h इंटू √3, यानी कि x क्या है बताओ h इंटू √3, और h की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है कितनी 4 इंटू √3+1, यानी कि h को क्या रखो, देखो √3 तो है ही, इंटू h, h कितना है आपका 4 इंटू √3+1, चाहो तो इतना ही छोड़ दो या √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 तो बाहर पड़ा रहने दो, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से करोगे तो 3 और √3 को 1 से करोगे तो √3, तो ये आपका क्या आ गया x आ गया। तो मैंने दोनों आंसर आपको आसानी से निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या कहता है पढ़ो स्टेटमेंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। देखो नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज बना हुआ है तो थोड़ी हाइट पे बना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप ये मान लिया करो ये क्या है नदी है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है कुछ हाइट के ऊपर, ये हाइट कितनी है क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक क्या होते हैं नदी के किनारे, ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30° एंड 45°, यानी कि ये यहाँ पे आप बैठे हो मान लो पुल के ऊपर और आपने एक इस किनारे पे देखा ऊपर से डिप्रेशन बने ना, और एक इस किनारे पे देखा एंगल बने ना डिप्रेशन के, वो एक 30 एक 45, किसी को 30 किसी को 45 मान लो,
कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं तो लाइन ऑफ साइट क्या बना दो, ऊपर बना दो, इस लाइन को आप क्या बना दो, ऊपर। हालांकि यूज कुछ भी नहीं होगा इसका, लेकिन एग्जामिनर नंबर काट लेगा अगर नहीं बनाई तो। देखो ये 45 है, इस लाइन के अलोंग जाओ तो ये 45 होएगा, ये 30 है, इस लाइन के अलोंग जाओ ये 30। यूज कुछ भी नहीं होगा इस 30 45 का, यूज होना है किसका, इसका और इसका, ठीक है, हो गया। अब कहता है इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज की इस धरती से ऊंचाई कितनी है, ये 3 मीटर है, तो विड्थ ऑफ द रिवर इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई का मतलब देखो इसको नाम दे लो ए बी सी डी, नदी कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेके और डी तक, आपको ये पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये कितनी है आप मेरे को बताओ। दो ट्रेंगल बन रही है देखो, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस ट्रेंगल से पहले मैं बात करता हूँ किसकी, ए सी बी, क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए सी बी, लिख लो। ए सी बी ट्रेंगल में फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बताओ, 3, और अपॉन बेस इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो, 3 अपॉन x इज इक्वल टू 10 30, 10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स कितना आएगा आपका, 3√3 एक्स आ गया। अब दूसरी ट्रेंगल में, इसमें ए सी डी, इन ट्रेंगल ए सी डी, देखो इसको क्या मान लो आप, वाई मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 अपॉन y इक्वल टू 10 45, 10 45 कितना होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y कितना आ गया, 3। अब बताओ नदी की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है, x प्लस में y, भाई ये और ये दोनों को जोड़ दो, तो विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो कितनी है, x प्लस में y। x कितना बताओ, ऊपर से देखो 3√3 प्लस में y, y कितना, 3। चाहे तो इतना छोड़ दो या दोनों में से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से √3 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1। तो इतने मीटर ये नदी की क्या है आपकी चौड़ाई है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे बेसिक्स इस चैप्टर के और सातों के सातों एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 16 क्वेश्चन की, 8 8 क्वेश्चन करके पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 9 चैप्टर के सारे बेसिक बता दिए थे और सातों के सातों हमने एग्जाम्पल कर दिए थे। अब ये जो 9.1 एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और इसमें 16 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करेंगे और 8 क्वेश्चन जो बाकी बच गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो सर्कस के अंदर जो आर्टिस्ट होता है वो एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, कोई खंबे के ऊपर, कोई पोल के ऊपर। मान लो ये वर्टिकल पोल है, मैं जैसे लैडर लगाते थे हम, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है वैसा ही क्वेश्चन है। ये एक पोल है, एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो इस रस्सी के सहारे, ये रस्सी है टेढ़ा, वो टेढ़ा चढ़ेगा, ठीक है। ये रस्सी धरती के साथ एंगल बनाती है कितना, 30 डिग्री का। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना होता आपको क्वेश्चंस को, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और हिंट ले लो और आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत पता लग जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको बताना है कि ये पोल जो है वो कितनी ऊंची है, ये हाइट बतानी है, और 20 मीटर लॉन्ग रोप, और ये जो रस्सी है ना ये क्या है, रोप है, ठीक है, और ये रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर। आपको सिर्फ हाइट बतानी है, क्वेश्चन खत्म। आपको दो चीज़ें देखनी होती है देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। गिवन क्या है आपको, ये 20, पूछा क्या गया है ये h, तो 20 और h से आप क्या रिलेशन बना सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, थीटा कितना है यहाँ पे, 30, तो साइन 30 आ गया। p अपॉन h, परपेंडिकुलर कितना है बताओ, h, यानी कि हमने इसको h माना है, कुछ भी मान लो आप इसको, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 20। साइन 30 कितना होता है, 1/2 h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2h इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। h कितना आएगा आपका, 20/2 यानी कि 10। तो ये इस जो पोल की हाइट है वो कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम के अंदर आप लास्ट में लिखोगे सो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम के अंदर। ये ट्रायंगल मान लेना क्या, ABC, और स्टार्टिंग में लिख देना इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 इक्वल टू h, इसको h मान लेना, लिख देना लेट AB इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है, और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। बट आपने बीच के अंदर लिखा क्या है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा।
ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ जब बीच में से टूट जाता है। पहले मैं इसको कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे देखो, ये एक पूरा बड़ा पेड़ है, ये क्या है, कंप्लीट ट्री है। अब क्या हुआ, आंधी आई और ये पेड़ बीच में से टूट गया। मतलब कि मान लो यहाँ से ये पेड़ टूट गया, यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, लेकिन टूट के ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, बिल्कुल अलग नहीं हुआ पेड़ से। इस पेड़ से अभी भी ये लटका हुआ है और ये टूट के और जमीन के ऊपर झुक गया, ऐसे टेढ़ा झुक गया, ठीक है। और ये जमीन के साथ मान लो कुछ एंगल बनाता है, कितना भी एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बस आप मेरे को एक बात बताओ, ये पेड़ यहाँ से ऊपर से टूट गया, यानी कि इतना टूटा, और ये टूटा हुआ हिस्सा जो है ना वो नीचे झुक गया, तो ये वाली जो दोनों साइड्स है वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी ना, क्योंकि जितना पेड़ टूटा है ऊपर से उतना ही तो नीचे झुका है। तो कहने का मतलब ये दोनों साइड क्या है, आपकी इक्वल है, ठीक है। और कहता है ये जो पेड़ नीचे से टूटा हुआ है, ये जो नीचे वाला सिरा है, ये इस ट्री का इस सिरे से मान लो आपकी डिस्टेंस है कितनी, 10 मीटर। तो आपको कहता है पेड़ की, पूरे पेड़ की हाइट बताओ। आप मेरे को ये बताओ बस, हम किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे को एक एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ये साइड निकाल सकते हैं, हम ये साइड निकाल सकते हैं। अब देखो, ये साइड जितनी होगी उतनी ही तो ये साइड होगी, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये पूरे पेड़ की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी भाई, ये भी और प्लस में ये नीचे वाले, ये दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी, पूरे ट्री की हाइट। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ट्री वाले क्वेश्चन का। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड क्या होती है, आपकी इक्वल, क्योंकि जितना पेड़ ऊपर से टूटा है वही पेड़ तो नीचे झुकाया गया है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को क्या है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डायग्राम बना दो आप, वही एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट बनता है ट्री वाले पे। आप वही डायग्राम बना लो पहले। ये पेड़ है, ये यहाँ से टूट गया मान लो, और ये टूटते ही क्या है, नीचे झुक गया, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। नाम दे दो इसको, ए बी सी, एग्जाम में आपको नाम जरूर देने हैं, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, जो आपको आसान लगते हो। कहता है तूफान के कारण एक पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है, बेंड्स, बेंड्स का मतलब क्या होता है, झुकना, वो नीचे झुक गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये जो ट्री का टॉप है ना वो ग्राउंड को क्या कर गया, टच कर गया, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ये पेड़ का क्या है, फुट, ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड, यानी कि उस पॉइंट से जहाँ पे ये टॉप जो है पॉइंट इसको ग्राउंड को टच करता है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको पूरे पेड़ की हाइट बतानी है। आप मेरे को ये बताओ, ये 8 मीटर है, तो आप ये निकाल ले पहले, ये आप मान लो कितनी एक्स, और इसको आप क्या मान लो, वाई। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। बस आपको लिखना है, लेट, आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में, लेट ए बी इज इक्वल टू वाई, और बी सी को आप क्या मान लो, एक्स। तो पूरे ट्री की हाइट क्या हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस में वाई, और ये वाई है तो ये भी कितनी है, अपनी वाई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ही तो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल पी सी डी। इस ट्रायंगल में एक बार आप एक्स निकाल लो, एक बार आप क्या है, वाई निकाल लो, और आपका आंसर आएगा, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, 10 थीटा होता है, थीटा कितना है, 30, तो यानी कि ये आ गया आपका कितना, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। आपको तो x निकालना है, तो कितना आ गया, 8/√3 x आ गया। इसी तरीके से आप क्या लो, फिर दोबारा इन ट्रायंगल बी सी डी, अब की बार देखो x आ गया, ठीक है, और एक y आपको निकालना है, x कितना आ गया बताओ आपका, 8/√3। तो फिर आप फॉर्मूला लगाओ क्या, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, चाहे आप कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस 8/√3 को छोड़ दो, इस 8 को ही लेके चलो, ठीक है। ये क्या है बताओ आपका, बेस, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो यानी कि 8/y इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, √3y इक्वल टू 16, तो यहाँ से y आपका कितना आ जाएगा, 16/√3। तो मैंने x भी निकाल के दिखा दिया, y भी निकाल के दिखा दिया, अब आपको क्या चाहिए बताओ, हाइट चाहिए ट्री की, तो लिख दो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी आएगी आपकी, 8/√3, और प्लस में 16/√3। √3 एलसीएम लोगे तो 8 और 16 को प्लस कर दो, 24,
24 बाय रूट थ्री, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, रूट थ्री को नीचे नहीं छोड़ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो और थ्री से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 8√3 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इस पूरे पेड़ की हाइट कितनी है 8√3 मीटर, क्योंकि एक्स प्लस में वाई को हमने क्या किया है ऐड किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें ये होता है कि जैसे आपने देखा है कि जब आप पार्क में जाते हो तो छोटे बच्चों के झूलने के लिए वहाँ पे स्लाइड्स बनी होती है, तो स्लाइड्स में क्या रूल होता है कि जैसे बच्चे अगर छोटे हैं, एज उनकी छोटी है, तो उस स्लाइड की हाइट क्या होती है आपकी कम होती है, कम हाइट पे वो स्लाइड लगी होती है। ठीक है, और जो एंगल होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाइट कितनी है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ठेकेदार, वो प्लान करता है दो स्लाइड लगानी है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, मतलब कि जिन बच्चों की एज 5 साल से छोटी है उनके लिए वो क्या डिसाइड करता है कि कैसी स्लाइड लगानी है। देखो सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मैं पहले क्या लिखता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए क्या प्लान किया गया है, इस लड़की ने, इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या प्लान किया है कि वो स्लाइड लगाएगी जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगी 1.5 मीटर की हाइट पे, लिख दिया मैंने ये बना दी। ठीक है, अच्छा स्लाइड बिल्कुल सीधी थोड़े लगाएंगे, ये तो स्लाइड के पीछे वाला हिस्सा हो गया, ये स्लाइड ऐसे बच्चे यहाँ पे फिसलते हैं, टेढ़ी लगाते हैं कुछ ना कुछ एंगल पे, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लगा देंगे तो बच्चा गिर जाएगा, एंगल कितना है उसका 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। एक तो ये डायग्राम बन गया। फिर वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब बात करते हैं हम बड़े बच्चों की, यहाँ पे हम बनाते हैं एल्डर चिल्ड्रन के लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एल्डर चिल्ड्रन बड़े बच्चे, बड़े बच्चों के लिए भी डायग्राम तो आप यही बना दो। ठीक है, डायग्राम तो आपका यही बनने वाला है। अब क्या कहता है ये, सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, स्टीप का मतलब क्या होता है जो ज़्यादा झुकी हुई होती है, हाइट कितनी है 3 मीटर, ये हाइट कितनी है 3 मीटर इसकी ग्राउंड से, एंगल कितना है 60 डिग्री। बस आपको निकालनी क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी कि ये स्लाइड कौन सी है बताओ, ये है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, दोनों केस में कहता है इन स्लाइड की लेंथ को बताओ। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, एक आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला किसका लगाओगे बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स कितना आ जाएगा आपका 3, तो एक्स आ गया आपका 3 मीटर। ठीक है, इस स्लाइड की जो हाइट लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 मीटर। अब इसकी बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपका 3√3y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया 6/√3। अब √3 को ऊपर ले जाओ और 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2√3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2√3 मीटर। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखा दिए, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ 3 मीटर होनी चाहिए, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए 2√3 मीटर। अब ये देखो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन में, पहले हम फोर्थ करते हैं, नेक्स्ट पेज पे फिफ्थ करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो टावर का क्वेश्चन है, आप सिंपल सा डायग्राम बना दो, ये क्या है टावर। अब ये कहता है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है जो इस टावर से कितनी दूरी पे है, जो इस टावर से यानी कि टावर के फुट से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है बताओ, 30 मीटर दूर है। ठीक है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालनी है टावर की हाइट, आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। आप लिखोगे लेट ए बी इज द टावर, टावर क्या है आपका ए बी, हालांकि लिखना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो बच्चे पूरे नंबर लेना चाहते हैं 80/80, मैं कहता हूँ वो तो सब कुछ सीखे ताकि उसका नंबर कटने का कोई चांस रहे ना। ठीक है, ए बी क्या है टावर है, और ए बी को आप कितना मान लो, एच मीटर मान लो। ठीक है, एच मीटर मान लिया,
तो बस अब क्वेश्चन खत्म। इन ट्रायंगल एबीसी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला किसका यूज किया करो, जहाँ तक कोशिश हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एच अपॉन 30। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन थर्टी। टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3h इज इक्वल टू 30। आपको तो h निकालना है, 30/√3। रूट थ्री को ऊपर शिफ्ट कर दो और थ्री से क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया आपका, 10√3। 10√3 मीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। लास्ट में लिख देना आप, सो हाइट ऑफ टावर, ये जरूर लिखो लाइन, ठीक है, क्योंकि इसने एच थोड़े पूछा है, एच तो हमने माना है, इसने तो टावर की हाइट पूछी है। तो लास्ट में आप लिखोगे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर इज आवर आंसर। बस क्वेश्चन खत्म, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, काइट वाला। जब भी काइट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बस सिंपल एक ट्रायंगल वाला डायग्राम बना दिया करो, इससे ज़्यादा काइट के ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये देखो, ये है। अब इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि ये क्या होती है कि ग्राउंड से काइट कितनी हाइट पे उड़ रहा है। यहाँ पे काइट उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी पतंग उड़ रही है, ग्राउंड से कितनी हाइट, ये तो क्या होगी, काइट की हाइट होगी। और ये क्या होती है, काइट की स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब डोरी, जैसे आप डोर होती है काइट की, स्ट्रिंग की क्या होती है ये लेंथ, कि कितनी लंबी डोरी है आपके पास जिससे आप पतंग को उड़ा रहे हो। ठीक है, क्या कहता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हाइट कितनी है, 60 मीटर है, और द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट, ये जो डोरी बंधी हुई है काइट से, उसको हमने एक पॉइंट से बांध दिया यहाँ पे ग्राउंड पे। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल, वही आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना, 60 डिग्री। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती, बस समझो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायग्राम बना दो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अजूमिंग दैट देर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो डोरी है ना, ये बीच में से कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है ये, ठीक है, इसकी लेंथ आप आसानी से मेजर कर सकते हो। लेंथ है तो क्या मान लो इसको, एल मान लो, ये तो मानने की बात है, आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड एल पी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रेंगल को नाम दे दें ए बी सी, तो आप लिखोगे क्या, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसको आप क्या मान लो, एल मीटर मान लो, ठीक है, एल मीटर मान लो। तो अब इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए बी सी, बताओ ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिज क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 होता है। तो बस सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा आपका, एल √3 इज इक्वल टू 120। एल कितना आएगा, 120/√3, और मैं बार बार आपको क्या बता रहा हूँ, रूट थ्री को ऊपर ले जाओ और थ्री से क्या कर दो डिवाइड, ये कट जाएगा, तो यानी कि 40√3 मीटर, ये अपना क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट में लिख देना, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो ये तो है एक बिल्डिंग, ये क्या है एक बिल्डिंग, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे डायग्राम बना लो, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लो ये यहाँ पे लड़का खड़ा है, और जिसकी हाइट कितनी है लड़के की, 1.5 मीटर है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, हाइट दे रखी हो, तो आप इसको क्या कर दिया करो, ज्वाइन कर दिया करो यहाँ से, और अब एक ही लैंग्वेज क्वेश्चन में गिवन होगी कि लड़के की आंख से, लड़के की आंख तो यहाँ पे है ना, क्योंकि लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने क्या देखा, इस बिल्डिंग के टॉप पे देखा, इस लड़के ने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे देखा, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन इसमें एक चेंज है इस क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये अपनी आंख से बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ चलता जाता है, तो एंगल 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। देखो पहले ये लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है, अब ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, देखो ऐसे 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 इधर चल रहा है, मतलब चलेगा तो यहाँ से ना, पाँव तो इसके यहाँ पे है, लेकिन जितना यहाँ पहुँचेगा तो ये भी तो यहाँ पहुँचेगा ना, तो अब ये यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा ना,
एंगल पहले कितना था 30, अब कितना हो गया 60। तो मैंने कहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि ये 30 होगा और ये 60 होगा, क्योंकि तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने चलते हुए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि ये यहाँ था और यहाँ पे आ गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ये वाली डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाम दे दो इस ट्रायंगल्स को, नाम हमेशा दो, ए बी सी कुछ भी नाम दे दो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे सी लिख दो, बी डी ई लिख दो, एफ लिख दो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कोई राइट ट्रायंगल थोड़ी है, ये जो बीच वाली ट्रायंगल दिख रही है रेड और ग्रीन लाइन के बीच में, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो इसमें आपको दो ट्रायंगल नजर आ रही है, ये बताओ मेरे को ये अगर 1.5 है तो ये भी तो कितनी होगी, 1.5 होगी ना, ये भी कितनी होगी आपकी 1.5, आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या लिखना है, बी सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। चीज़ें आपको सारी लिखनी है जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बिल्डिंग पूरी, ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग की हाइट अगर 30 है तो इसमें से ये 1.5 माइनस कर दो तो ये कितनी बच गई आपकी, फिर 28.5। सो आप लिखोगे ए सी पूरी 30 में से नीचे वाली 1.5 माइनस कर दो, 28.5 मीटर बच गई, ठीक है। ये 28.5 मीटर बच गई। अब आप क्या करोगे, ईस्ट ट्रायंगल की बात करोगे पहले, ईस्ट ट्रायंगल की। मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो ये एक्स है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है। ईस्ट ट्रायंगल में आपकी जो है ये वाई निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, और छोटे ट्रायंगल में ये थीटा कितना है आपका 60, टेन 60 कितना होता है आपका √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपका √3y इक्वल टू 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 57, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 57/√3। मैंने क्या कहा था, √3 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 19√3। तो मेरी y आ गई क्या, 19√3। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो y आया है, हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए, है ना। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल में बात करता हूँ, ए सी ई, ये तो क्या था, इन ट्रायंगल ए सी एफ था। अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल ए सी ई। देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल से क्या फायदा होगा, यहां से अपनी ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस। फिर इस पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं वाई को माइनस कर दूं तो फिर एक्स नहीं निकल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल निकल जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म। देखो परपेंडिकुलर कितना, वही 28.5, बेस कितना एक्स प्लस में वाई, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल में तो एक्स प्लस वाई हो गया ना, ये इक्वल टू 10/30, और 10/30 आप सबको पता है क्या होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया बताओ, 28.5 × √3। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो निकल गया बस एक्स, यहाँ से आपको चाहिए एक्स। तो मैं कहता हूँ 28.5√3 में से क्या घटा दो, वाई माइनस कर दो, और वाई कितना है बताओ, ऊपर से देखो ये रहा वाई, वाई कितना है 28.5√3 में से आप 19√3 माइनस कर दो, भाई √3 तो कॉमन है, 28.5 में से 19 माइनस करो तो कितना आ गया आपका 9.5, और √3 तो है ही, तो 9.5√3 एक्स की वैल्यू आ गई, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद आपको मुश्किल आने वाली है नहीं। अब ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ये कोई टावर है जो कहाँ पे लगा हुआ है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर की छत पर या किसी भी मकान की बिल्डिंग की छत पर जो मोबाइल टावर वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन है, ये क्या है, देखो बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की हाइट अपने को क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 20 मीटर। इस बिल्डिंग की छत के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये छत है मान लो, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में देखो बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन होगी, टावर की हाइट आपसे पूछी जाएगी, या फिर टावर की हाइट ये आपको दे देगा, किसकी पूछ लेगा, बिल्डिंग की हाइट, दोनों में से एक हाइट गिवन होगी और दूसरी पूछी जाएगी। अब कहता है ग्राउंड से एक पॉइंट हमने ले लिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम का भी और टॉप का भी, किसका, ट्रांसमिशन टावर का। तो ट्रांसमिशन टावर का ये तो क्या हो गया बताओ, बॉटम, और ये क्या हो गया, टॉप। तो यानी कि इस पॉइंट से
हमने इसके बॉटम पे देखा और इसी पॉइंट से हमने इसके टॉप पे देखा। टावर की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। ए मैं ये बना देता हूँ, टॉप पे देखा तो एंगल कितने हुए, 45 और 60। अब आप खुद ही बता दो कौन सा 45 होगा भाई। ये छोटा है तो 45 होगा और ये पूरा बड़ा है तो ये कितना होगा आपका, 60 होगा। आपको बतानी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। मैं कहता हूँ जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा है हाइट पूछ रखी है, तो क्या मान लो उसको, एच मान लो, नाम दे दो, ए पी सी डी, ये नाम दे दिए, ठीक है। लेट कर लो आप हाइट ऑफ टावर, ये लिखना होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाइट ऑफ टावर को आप क्या मान लो, एच मीटर मान लो। अब आप ये बताओ इस एच की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप छोटी ट्रायंगल लो, ये छोटी ट्रायंगल, इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो, ठीक है। लेट कर लो सी डी को आप क्या मान लो, एक्स मीटर मान लो। अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल की बात करूँगा, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 20 अपॉन एक्स क्या होगा आपका, 10। एंगल कितना, देखो छोटी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो 45 होगा, ठीक है। 10 45 कितना होता है, 1। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब आप सोचोगे कि मैंने x क्यों निकाला, अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने x क्यों निकाला। अब मैं पूरी ट्रायंगल की बात करूँगा, पूरी बड़ी ट्रायंगल की, देखो कौन सी ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी और डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर कितना है बता दो इस क्वेश्चन में, एच प्लस में 20, पूरी हाइट कितनी है ये, एच प्लस में 20 और अपॉन बेस, बेस कितना बता दो, एक्स इज इक्वल टू 1060। 1060 कितना होता है आपका, √3। अब आप बताओ ये एक्स चाहिएगा ना आपको, और एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, 20। तो एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर दो आप, 20, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका एच निकाल सकते हो आराम से। एच प्लस 20 किसके इक्वल आ गया, 20 √3। तो एच कितना आ गया आपका यहाँ से, एच कितना आ जाएगा, 20 √3 में से 20 माइनस कर दो, चाहो तो 20 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा आपका, √3 - 1 मीटर आंसर, ठीक है। ये इस ट्रांसमिशन टावर की क्या है, हाइट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देख लो आप, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, देखो लकड़ी का स्टैंड, जैसे आपने अपने घरों में देखा है कि एक लकड़ी का स्टैंड बनाया होता है हमने, और उसके ऊपर कोई हमने स्टैचू का मतलब कोई मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, कोई भगवान की मूर्ति रखी हुई है या कोई टेडी बियर रखा हुआ है, इस तरीके से। मतलब कि यही आप मान लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बिल्डिंग के ऊपर टावर था, यहाँ पे पेडेस्टल के ऊपर क्या है आपका, स्टैचू है। स्टैचू का मतलब आप समझ लो क्या, मूर्ति, और पेडेस्टल का मतलब आप ये मान लो एक ऐसा स्टैंड जिसके ऊपर वो मूर्ति रखी होती है। तो आप खुद सोचो पेडेस्टल नीचे होगा या मूर्ति, आपको जी पेडेस्टल नीचे होता है, मूर्ति उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो मैं ये बना देता हूँ क्या, पेडेस्टल, ये मैंने क्या बना दिया, पेडेस्टल, और इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, स्टैचू। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमने रख दिया स्टैचू, ये हो गया। अब स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर टोल है। पिछले क्वेश्चन में आपको टावर की हाइट पूछी थी, बिल्डिंग की दे रखी थी, अब की बार आपको स्टैचू की हाइट दे दी, और किसकी पूछ रही, पेडेस्टल की। ये कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब कि ग्राउंड पे आप एक पॉइंट ले लो, ये आपने स्टैचू के टॉप पे देखा, देखो ये रहा स्टैचू का टॉप। आप है ना बिना देखे बस यही फिगर बना दिया करो, एक बार यहाँ पे देखोगे और एक बार आप स्टैचू के बॉटम पे देखोगे, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, ये 60, ये 45। तो देखो छोटे वाला 45 होगा और बड़े वाला कितना होगा, 60। लिख दिया हमने, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। ये इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एच, नाम दे दो, ए बी सी डी। देखो हर क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है ना, वो सेम होता है। इसको क्या मान लो आप, एक्स, और आपको पता है कि एक्स जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। एक तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में ले गए हम, और एक इस छोटी ट्रायंगल में, बस हर क्वेश्चन का स्टेप यही होता है। आप लिखो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच अपॉन एक्स, तो छोटी ट्रायंगल में एंगल कितना है, 45, तो कितना आ गया, 1045। 1045 होता है 1, तो इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि एच की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के। इसको आप क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूंगा बड़ी ट्रायंगल की, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा ठीक है हर बार। परपेंडिकुलर कितना है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यानी कि 1.6 तो ये और एच ये, तो टोटल कितना हो गया 1.6 प्लस में एच अपॉन में क्या है एक्स इक्वल टू 1060, और 1060 कितना होता है आपका √3। ये आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स तो चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, ये एच निकालना है। एक्स की जगह क्या मैं एक्स की जगह एच पुट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन देखो ऊपर बना रखी है, एच और एक्स दोनों क्या है इक्वल है, तो मैं चाहूँ तो एक्स की जगह एच पुट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को एच की वैल्यू चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ गया, ये एच √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में एच, एच को इधर ले आओ, उस प्लस एच को इधर लेके माइनस कर दो, और एच यहाँ से कॉमन ले लो, √3 माइनस 1.6। तो बस थोड़ा सा सोल्व कर लो, रू एच कितना आ गया आपका 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर बस इस तरीके से नहीं छोड़ना, आपको क्या करना है अब रैशनलाइज करना है, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वेयर करोगे तो 3 हो जाएगा और बी का स्क्वेयर करोगे तो 1, तो ये कितना होएगा आपका 2, 3 में से 1 गया 2, और 1.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 0.8। तो इतना आंसर आप छोड़ सकते हो ठीक है। 0.8 को चाहो तो आप क्या लिख दो, 8/10 यानी कि 4/5 इंटू √3 प्लस 1। आपका कोई एग्जामिनर क्वेश्चन गलत नहीं करेगा अगर इतना आंसर छोड़ दोगे ठीक है। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, बट मैथमेटिक्स के अंदर ये कन्वेंशन बनी हुई है कि नीचे स्क्वेयर रूट वाली टर्म आप नहीं छोड़ते। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम है आपका, हम उसके पास तो बैठेंगे नहीं, या उससे बोल देंगे कि टीचर हमारा नंबर काट लिया और आप इसका नंबर दे दो, उसने काट लिया तो फिर काट लिया। इसलिए रिस्क नहीं लेना उन बच्चों को जो पूरे के पूरे नंबर लेके आना चाहते हैं, लेकिन जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो मैं कहता हूँ वो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे सोल्व करेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी और वो आधा नंबर और लेने के चक्कर में जो पहले वाले नंबर थे वो भी कटवा बैठेंगे ठीक है। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चा कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकता है। आज के लेक्चर में हम ये 8 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 8 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करवा दिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 16, और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे हमने देखा कहाँ से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहाँ से देखा, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो देखो एक आप क्या बना दो, टावर बना दो, ये आपने क्या है मान लो टावर बना दिया, और एक आप क्या बना दो, बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग छोटी है बड़ी है इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है इस टावर के फुट से देखा है, फुट से कहाँ पे देखा, बिल्डिंग के टॉप पे, तो ये टावर का फुट होता है और ये बिल्डिंग का टॉप होता है, आपने यहाँ पे देखा, तो ये एलिवेशन बना कितना 30 डिग्री का, तो ये एंगल लिख दो कितना 30 डिग्री। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है डायग्राम बनाते जाओ, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, यानी कि अब आपने क्या किया, उल्टा किया, अब आपने बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देखा और एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री। ये डायग्राम आपने क्या करना है बनाना है ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दे रखी है अपने को 50 मीटर, तो आपको किसकी हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की, बिल्डिंग की हाइट को आप क्या मान लो, एच मान लो ठीक है। बिल्डिंग की हाइट को हमने एच मान लिया, सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। आप देखो इस साइड को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, ए बी सी डी। अब पहले मैं इस ट्रेंगल की बात करता हूँ, किसकी, ए बी सी की, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी। आप बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा कितना, देखो इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ मैं ए बी सी की, तो ए बी सी में एंगल कौन सा लेना पड़ेगा आपको 60, क्योंकि 30 नहीं ले सकते, 30 ए बी सी का कोई एंगल ही नहीं है, ये देखो पूरा एंगल होता तब तो बात बनती, लेकिन ये 60 लेंगे, 1060, 1060 कितना होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यानी कि √3 एक्स इक्वल टू 50, एक्स कितना आएगा आपका 50/√3, एक्स आ गया, लेकिन हमें एक्स थोड़े चाहिए, हमें तो क्या चाहिए एच। मैंने एक्स क्यों निकाला, क्योंकि अब एक्स की हेल्प से हम एच निकालेंगे, किस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल टी सी बी। टी सी बी ट्रेंगल के अंदर देखो आप क्या करोगे, एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1030, 1/√3,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स किसके इक्वल आएगा, एच रूट थ्री। आपने क्या निकालना है बताओ, आपने एक्स की वैल्यू रख दो, आप एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दो और एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर दो, 50/√3। इस एक्स की जगह क्या लिख दो आप, 50/√3। ये तो एच रूट थ्री आ गया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, एच 50/√3। इस रूट थ्री को क्या है, नीचे ले जाओ, तो ये एक रूट थ्री पहले ही है, एक और नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 50/3। और 50/3 को चाहे आप इतना छोड़ दो या 16 N2/3 मीटर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस ट्रायंगल से आप क्या निकाल लो, एक्स, और फिर इस ट्रायंगल से एक्स पता लग गया तो ये एच पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो खंबे हैं मान लो बिजली के खंबे हैं जिनकी हाइट क्या है दोनों की इक्वल, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड का मतलब होता है दोनों साइड, यानी कि एक रोड है चौड़ा, उसके दोनों तरफ जो है ना दो पोल्स खड़े हैं, दोनों की हाइट क्या है इक्वल। मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, देखो ये मान लो क्या है रोड है, इसको रोड नाम दे दो, और इस रोड के दोनों तरफ यानी कि एक इस रोड के इस किनारे पे और एक इस किनारे पे ये दो क्या है पोल्स है, और दोनों की हाइट क्या है इक्वल है, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना दिया। फिर क्या कहता है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा ये जो रोड है ना ये पूरा, इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि इसकी लेंथ कह दो या विड्थ कह दो इसको, ये कितनी है 80 मीटर है, ये है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि रोड के ऊपर अब कोई आप क्या ले लो, पॉइंट ले लो, और वो पॉइंट कहाँ पे है, इन दोनों टावर के बीच में या इन दोनों पोल्स के बीच में। बीच में का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि 40 इधर 40 इधर, नहीं, कहीं पे भी मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, आपने इस पॉइंट से दोनों टावर्स के या दोनों पोल्स के टॉप पे देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन 1/60, 1/30, तो आप बना दो इसके अंदर। इस पॉइंट से एक बार आपने यहाँ पे देखा और एक बार आपने यहाँ पे देखा, एक एंगल कितना बनाना है आपने 30, और एक कितना बनाना है 60, कोई भी मान लो, एक को मान लो 30 और एक को 60, इसको इंटरचेंज भी कर दोगे 60-30 को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर के ऊपर, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। फिर आपको कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट जो हमने बीच में लिया है, इस पॉइंट की इस पोल से यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, और इस पॉइंट की इस पोल से यानी कि ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो नाम दे दो पहले तो ट्रायंगल को, ए बी सी डी ई, नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई भी नाम दे देना, इससे कभी घबराना मत, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एक तो आपको पोल की हाइट निकालनी है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ एच, तो ये भी कितनी होगी एच, क्यों, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट क्या है इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है। लेट लिख कर दो आप, लेट हाइट ऑफ ईच पोल, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन 4 नंबर का, तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कैसे लिखना है, ठीक है। पूरे दोनों पोल्स की हाइट को आप क्या मान लो, एच मीटर मान लो। अच्छा अब देखो ये पूरा रोड कितने मीटर का है, 80 मीटर का है ना, इसको आप क्या मान लो एक्स मान लो, तो ये कितना होएगा 80-x होएगा, कि दो नंबर का सम 80 है, उसमें से एक अगर एक्स है तो दूसरा कितना होगा 80-x। देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो एक्स एक्स कटेगा, कितना बचेगा 80, ठीक है। तो आप लिख लेना, आप इसको क्या लिखोगे, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो C से लेके E कितना होएगा आपका 80-x हो जाएगा, ठीक है। अब बस क्या करेंगे हम, दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक तो इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल आप किस ट्रायंगल में लिखोगे, ए बी सी, ए बी सी में बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला किसका लगाते हैं, टेन का, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1060, और 1060 क्या होता है आपका √3, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x√3, ये आपकी क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे के छोड़ दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल DEC में देखो h डिवाइड बाई 80-x, फॉर्मूला वही लगाना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 1030, और 1030 कितना होता है आपका 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 80-x किसके इक्वल आएगा आपका, h√3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये वैल्यू आ गई h√3, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू देखो ये री पुट कर दो इसमें आप, h जहाँ जहाँ आपको नजर आता है उसको क्या पुट कर दो आप, x√3 पुट कर दो, 80-x इक्वल टू h, h का मतलब क्या है बताओ, x√3 है ना, और ये √3 पहले ही है, तो √3 इंटू √3 3x बन गया,
ये माइनस एक्स उधर आके क्या होएगा प्लस एक्स, तो यानी कि 80 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20, तो 20 आ गई। तो मुझे बताओ बी सी जो आपको निकालनी थी कितनी है x यानी कि 20 मीटर, और फिर आपको सी ई निकालनी है वो कितनी है 80 माइनस एक्स यानी कि 80 में से 20 माइनस कर दो कितनी 60 मीटर। आपको दो तो ये आंसर निकालने थे कि जो ये पॉइंट है सी इस रोड के ऊपर ये इस पोल से कितना दूर है 20 मीटर और इस पोल से कितना दूर है 60 मीटर। दो आंसर तो आ गए। सबसे मेन इस क्वेश्चन का क्या था पॉइंट आपका ये हाइट निकालना, पोल्स की हाइट। पोल की हाइट कहाँ से निकालोगे इक्वेशन नंबर वन से। देखो इक्वेशन नंबर वन में एच की वैल्यू क्या है एक्स इंटू रूट थ्री, एक्स कितना है बताओ 20, सो हाइट ऑफ पोल ये लाइन लास्ट में लिखनी है आपको, हाइट ऑफ पोल जो पोल की हाइट है वो कितनी है बताओ एक्स इंटू रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू कितनी 20, तो 20 रूट थ्री मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है तो मैंने दोनों चीज़ें निकाल के दिखा दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो वीडियो देखने से आपका ये फायदा होएगा कि मान लो पहली बार में आपको कम समझ आया तो इसी को दोबारा सुन लो आप 100% आपको समझ आ जाएगा, रिपीट करने की जरूरत है नहीं। अब ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा है, जैसे ये टीवी का टावर है ये बिल्कुल सीधा खड़ा है कहाँ पे ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, कैनल क्या होती है नहर, बैंक क्या होता है किनारा, नहर के किनारे के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, देखो नहर है मान लो ये सड़क है नहर है एक ही बात है, यहाँ पे एक किनारा ये होता है एक किनारा ये होता है, एक किनारे पे क्या खड़ा है टीवी का टावर खड़ा है, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है फिर कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी कि जो टावर के बिल्कुल अपोजिट में है, टावर इधर है तो ये पॉइंट इधर है। ठीक है कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, कहने का मतलब ये नहर का एक पॉइंट है पी और ये इसका दूसरा पॉइंट है सी, इस पॉइंट से आपने टावर के टॉप पे देखा तो एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री, ये बन गया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब देखो नहर कौन सी है ये इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहर सिर्फ इतनी इतनी है। ठीक है ना एक किनारे पे कौन खड़ा है टावर और दूसरे किनारे से आपने देखा, अब मान लो नहर है तो देखो इसके अंदर क्या है पानी है, आप यहाँ पे खड़े हो आपने यहाँ पे देखा टावर के टॉप पे, अब आपको तैरना नहीं आता तो आपने क्या किया नहर की तरफ तो चलोगे नहीं आप नहर से दूर चलना स्टार्ट कर दिए, इधर इधर इस साइड में आपने चलना स्टार्ट कर दिया और आप कितना चले 20 मीटर, 20 मीटर चल के आप यहाँ पहुँच गए, अब इस पॉइंट से आपने फिर से टावर के टॉप पे देखा और अब की बार ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ 30, तो आपसे नहर की विड्थ पूछी जाएगी, तो नहर की विड्थ बच्चे गलत आंसर कर देते हैं कि डी से लेके बी, नहीं सिर्फ नहर तो इतनी इतनी है। ठीक है ना ये तो आप कहीं चल लो बाहर नहर से उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कहता है आपको एंगल कितना मिला अब 30 डिग्री का, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, आपको नहर की विड्थ बतानी है और इस टावर की हाइट, टावर की हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ h और इसको क्या मान लेता हूँ मैं x, तो बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसानी से। देखो दो ही ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये वाली ट्रायंगल छोटी कौन सी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि h डिवाइड बाय x वो कितना है आपका 1060 जो कि होता है कितना रूट थ्री, तो यहाँ से मैं कहूँ एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी एक्स रूट थ्री जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी। ठीक है इसको क्या नाम दे दिया करो आप फर्स्ट इक्वेशन, अब कौन सी ट्रायंगल बनेगी पूरी बड़ी ट्रायंगल, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, ठीक है यानी कि ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, अब बताओ ए बी डी के अंदर फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना एच, बेस कितना आपकी बार देखो एक्स ये था 20 ये, तो यानी कि एक्स प्लस 20 और एंगल कितना 30 यानी कि 1030, 1030 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप एक्स प्लस 20 इक्वल टू एच रूट थ्री, फिर वही एच की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे बताओ एक्स रूट थ्री पुट कर दो किसको एच को, जहाँ जहाँ एच नज़र आता है उसको एक्स रूट थ्री पुट कर दो बस, तो देखो ये रहा एच, एच को कितना रखो एक्स रूट थ्री और ये रूट थ्री पहले ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना बिल्कुल सेम वैसा ही चल रहा है। ठीक है इस एक्स को उधर जाके क्या कर दो माइनस, तो 3x में से x माइनस होगा 2x इक्वल टू 20, x कितना आएगा आपका 10, x तो आ गया 10 और x क्या है बताओ इस कैनाल की विड्थ है, तो यानी कि ये तो आ गई आपकी विड्थ ऑफ कैनाल, एक आंसर तो आ गया विड्थ ऑफ कैनाल कितना आ गया आपका 10 मीटर।
और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ टावर। अब मेरे को आप बता दो, टावर की हाइट को आपने क्या माना था, एच, और एच की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, एक्स इंटू रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कि 10 इंटू रूट थ्री। तो हाइट ऑफ टावर, देखो हाइट ऑफ टावर जिसको आपने एच माना था वो किसके इक्वल है, एक्स इंटू रूट थ्री के, और एक्स की वैल्यू देखो ये निकाल रखी ऊपर कितनी 10, तो 10 रूट थ्री आ गई, 10 रूट थ्री मीटर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें आपको बिल्कुल आसानी से निकाल के दिखा दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इसमें आपको गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आप बना लो। पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने से अच्छा है जितनी स्टेटमेंट कम पढ़ोगे और उसका मतलब निकालोगे जल्दी, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप यानी कि इसके टॉप से आपने देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक क्या बना हुआ है टावर। देखो अब की बार आपने इस बिल्डिंग के टॉप से देखा है, अगर बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हो आप और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब टावर क्या है इस बिल्डिंग से ऊंचा है। ठीक है, टावर क्या है इस बिल्डिंग से ऊंचा है, ये टावर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप फुट से नहीं देख रहे, यहाँ से टॉप से देख रहे हो, टॉप से एलिवेशन बन रहा है इसका मतलब टावर ऊपर है। क्यों, क्योंकि एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो। ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री बना, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया 60। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो आप यहाँ पे बैठे हो, ये आप बैठे हो यहाँ पे, आपने बैठे बैठे कोई काम नहीं था तो आपने एक बार तो टावर के टॉप पे देख लिया, फिर यहीं से बैठे बैठे आपने इसके फुट को देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, क्योंकि ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल किसका बनेगा डिप्रेशन का, ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फुट पे, इस लाइन को ज्वाइन कर दो और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाते हैं, और यही ऑल्टरनेट एंगल आपका ये होगा, आपको यूज इसी को करना है 45 को। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। फिर कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। आप मुझे बताओ, अगर ये पूरा टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टावर है, इसको मैं एच मान लेता हूँ इस छोटी हाइट को। ठीक है, क्योंकि ये 7 है, ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड भी तो कितनी होगी 7 होगी, ये पूरी, ये कितनी होगी आपकी 7 मीटर। पहले तो आप क्या करो, इस डायग्राम में नेमिंग कर दो, ए बी सी नाम कोई भी दे दो, मैं बार बार कहता हूँ उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बताओ, लेट कर लो ए बी को कितना मान लो आप, एच मीटर मान लो। ठीक है, और फिर आप क्या लिखोगे, सी से लेके ई जो है वो इक्वल है बी से लेके डी, और दोनों कितनी है 7 मीटर। तो आप मेरे को बताओ पूरे टावर की हाइट कितनी होगी, एच प्लस में 7, 7 तो आपको पता ही है, एच नहीं पता, एच की वैल्यू अब हम क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, जो कि निकालनी बहुत आसान है। देखो मैंने आपको 90-45-45 का रूल बताया था कि इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 है तो ये साइड 7 है, तो ये भी कितनी होगी 7। लेकिन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, इन ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ 7/x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10/45, 10/45 कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये वैल्यू 7 है तो बताओ क्या ये भी 7 होगी, ये वाली बी से लेके सी 7 होगी। ठीक है, अब ऊपर वाली ट्रायंगल पे बात करूंगा मैं, इसमें नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करूँ तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 1060, 1060 कितना होता है आपका रूट थ्री, एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 7√3। लेकिन एच थोड़े है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है एच प्लस में 7, तो बस क्वेश्चन खत्म। सो हाइट ऑफ टावर, इस पूरे टावर की जो हाइट है वो कितनी है एच प्लस में 7, यानी कि एच कितना 7√3 प्लस में 7, 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 7 × √3 प्लस 1 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, ये 7 है तो ये भी 7। ठीक है, और बस इस ट्रायंगल में आपको एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, दूसरी साइड निकाल सकते हो आप, ये निकल गई तो 7 इसमें प्लस कर देना, पूरे टावर की क्या निकल के आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके थे आज 4 क्वेश्चन, मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बचे हुए 4 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।
आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। इसमें जो बचे हुए चार क्वेश्चन हैं 13, 14, 15 एंड 16, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 12th क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, अब हम करेंगे 13th क्वेश्चन से। 13th क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है आपको। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के अंदर बना होता है, ठीक है। उसके टॉप से देखने पर, ऑब्जर्व का मतलब देखना। एक देखो आप लाइट हाउस बना लो, टावर कह लो, बिल्डिंग कह लो, लाइट हाउस कह लो, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। आपने इसके टॉप से देखा, मतलब आप यहाँ पे बैठे हो टॉप पे, आप ऐसे इमेजिन किया करो कि आप यहाँ पे बैठे हो। आपने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। यानी कि दो समुद्र है, तो समुद्र के अंदर पानी के जहाज चल रहे हैं। ये दो जहाज है मान लो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बना रहे हैं? जब आपने देखा एक 35, एक 30 और एक 45, तो ये आप इस तरीके से डायग्राम बना दो। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये लाइन ऑफ साइट आप इस तरीके से बना दिया करो ऊपर, ठीक है। हालांकि इसका यूज नहीं होगा कोई भी, लेकिन एग्जामिनर डायग्राम के भी नंबर आपको देगा, ठीक है। एक 30 और एक 45, बताओ ये 30 होगा और ये 45, तो आपको ऊपर कैसे पता लगेगा कौन सा? इस लाइन के अलोंग जाओ, इस लाइन के साथ साथ चलते जाओ और बस यहाँ तक पहुँच गए, ये पूरा एंगल कितना हो गया 45। इस लाइन के साथ साथ चलते जाओ, ये एंगल कितना होएगा आपका 30। आपको यूज ये वाले ही करने हैं, 30 और 45, ऊपर वाले एंगल्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि ये दोनों जो शिप है ना, एक ये और एक ये, ये एक तो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक शिप यहाँ पे है दूसरी यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइट हाउस के एक ही तरफ है, मतलब कि लाइट हाउस के दोनों क्या है, राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है। ऐसा नहीं है कि एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। आप मेरे को बताओ एक जहाज यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये निकालनी है। इसको आप क्या मान लो, आप x मान लो, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x मीटर। तो आप लिख लो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x मीटर है, ठीक है। आपने मान ली x मीटर्स, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है निकालना, देखो दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये पूरी ट्रायंगल, पूरी, ठीक है। पहले आप ए बी सी डी नाम दे दो इनको। अब किस ट्रायंगल में ले, देखो डी सी बी, पहले छोटी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी। आप खुद देख लो डी सी बी परपेंडिकुलर कितना, 75। बेस, बेस कितना, ये इसको क्या मान लो आप, वाई मान लो, इक्वल टू क्या होएगा आपका 1045। 1045 तो कितना होता है आपका 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y कितना आ गया 75। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये एंगल अगर 45 होता है ना, तो जितनी ये साइड होती है उतनी ये होती है, तो मतलब ये कितनी आ गई आपकी 75 आ गई। अब हम बात करेंगे पूरे बड़े ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल डी सी ए, पूरी बड़ी ट्रायंगल की हम बात करेंगे डी सी ए की, ठीक है। देखो इसमें भी वही 10 का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना बताओ, ये पूरा, पूरा का मतलब x आपको जो निकालना है प्लस y, y कितना आपका 75 इक्वल टू 1030। 1030 को क्या बोलते हैं, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 75 इक्वल टू क्या आ गया 75√3। आपको तो x चाहिए, तो इस 75 को उधर आके क्या कर दो, माइनस कर दो, 75 कॉमन ले लो, √3 - 1, तो 75 × √3 - 1 मीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बार बार एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल से ये साइड निकल जाएगी, फिर पूरी बड़ी ट्रायंगल से ये साइड निकल जाएगी आपकी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस क्वेश्चन के मैं दो आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर है आपको वो अलग दे रखा है, बट जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का वो अलग आना चाहिए, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून। स्पोर्ट का मतलब देखना, एक बैलून को देखती है। देखो मैं आपको डायग्राम ये समझाता हूँ। यहाँ पे ये एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, ठीक है। ये 1.2 मीटर हाई एक लड़की है, ये एक हवा में उड़ते हुए बैलून को देखती है। ये बैलून यहाँ पे उड़ रहा है, सबसे पहले ये बैलून यहाँ पे उड़ रहा है, और इस लड़की ने अपनी आँख से इस उड़ते हुए बैलून को देखा,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का ये है। फिर ये बैलून हाइट कितनी है इसकी ग्राउंड से, 88.2 मीटर। अब आप खुद सोचो, ग्राउंड तो ये है ना, लड़की की आंख ग्राउंड के ऊपर थोड़ी होगी, लड़की की आंख तो यहाँ पे है ग्राउंड से 1.2 मीटर ऊपर। ये पूरी हाइट अगर 88 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो फिर वो 87 नहीं होगी, क्यों? 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 87। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 87 के हिसाब से आएगा, जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है कि ये हाइट कितनी है आपकी, 88.2। बट 88.2 तो पूरी हाइट है ना, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन तो कहाँ से दिखा रखा है इसने डायग्राम में, देखो इसकी आइज से दिखा रखा है ना, क्योंकि लाइन ऑफ साइट अब की बार ये है ना कि ये वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून। अब ये बैलून देखो क्या है, हवा में उड़ तो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे उड़ रहा है ये, मतलब पहले यहाँ था अब ऐसे चला जाएगा या यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये। अब ये बैलून उड़ता उड़ता इस लड़की की तरफ आ रहा है, ऐसे इधर आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब कि पहले ये बैलून मान लो यहाँ पे था, इसका एंगल कितना है 60, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद ये बैलून मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, चलता चलता यहाँ पहुँच गया, फिर कितना हो गया एंगल 30। तो मतलब देखो पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 30। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस दौरान बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आप मेरे को बता दो बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये वाली डिस्टेंस यानी कि एक्स मान लो, तो नीचे कौन सी होगी ये एक्स आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये ए बी सी और इसको मान लो डी, इसको मान लो आप कितना ई। तो आप क्या मान लो, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो इसी से आप जो है ना आंसर निकाल देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून वो कितनी है आपकी, एक्स मीटर है, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप बताओ एक्स की वैल्यू जो है ना आप कैसे निकालोगे, आप दो तो ट्रायंगल का यूज कर लो, एक तो इस ट्रायंगल का यूज करो जिसमें एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखो कितनी होगी, ये हाइट कितनी 87, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पहले इन ट्रायंगल ए बी और ये डी, ए बी और डी, इस पूरी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी है 87, 87 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है आप बताओ मेरे को, इस पूरी इस साइड को डी से लेकर सी को क्या मान लो आप एक बार, वाई मान लो। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई हो गया बेस, इक्वल टू एंगल कितना है 30, यानी कि 10 30, यानी कि 1/√3। कहने का मतलब आपकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 87√3। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी ट्रायंगल कौन सी यूज करोगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल जो बन रही है, ठीक है, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ई डी सी, ए डी सी में देखो वही फॉर्मूला ए की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 87 है तो ये भी तो कितनी होगी 87, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बताओ, ये रहा वाई इक्वल टू 10 60, और 10 60 कितना होता है आपका 3√3, यानी कि 3√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाई 3√3 इक्वल टू 87, वाई कितना आएगा 87/√3। और मैं ये तो बार बार आपको बताता आया हूँ कि √3 को ऊपर शिफ्ट कर दो और 3 से क्या कर दो डिवाइड, ठीक है, तो 29√3 आ गई, ये कितनी आ गई आपकी 29√3। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए ना, बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये वाली एक्स। तो आप मेरे को बताओ फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 87√3, एक्स प्लस वाई, वाई को कितना रख दो, वाई को रख दो आप 29√3, तो ये 29√3 उधर आगे क्या होएगा, माइनस होएगा आपका, 87 में से 29 माइनस करो कितना आ गया 58, और √3 तो इसका कॉन्स्टेंट है ही, जैसे आप 87x में से 29x माइनस करते हो तो क्या लिखते हो 58x लिखते हो ना, तो x की जगह यहाँ पे क्या है बस √3 है। तो इतने मीटर की डिस्टेंस इस बैलून ने ट्रेवल करी है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, बुक के हिसाब से अगर चलोगे तो इस 87 की जगह बस 88.2 ले लेना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 58.8√3 आएगा। ठीक है, जब आपको क्या करना होगा, 87 जहां जहां है वहां वहां आप 88.2 कर देना, लेकिन वो आपका गलत है, क्योंकि ये लड़की 1.2 मीटर हाई है,
ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट कितनी है बैलून की, 88.2 है, तो फिर ये हाइट 88.2 कैसे हो सकती है, 87 होगी। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में चार सेट आते हैं, चार सेट में से पक्का 100% एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप देख लो कि आपको छोड़ना है या करना है, क्योंकि वो सेट हो सकता है आपके पास आ जाए, तो 100% आएगा ये क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान है, मुश्किल है नहीं। इसमें कहता है एक स्ट्रेट हाईवे है, सड़क है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक सड़क है जो टावर के फुट तक जाती है। देखो ऐसा डायग्राम बना दो, ये सड़क है और ये सड़क के किनारे पे क्या है, टावर है, ये टावर बना दो और ये रोड है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी यहाँ बैठा है, आदमी लगा लो या आप कह लो, आप बैठे हो यहाँ पे ऊपर, ऑब्जर्व कर रहे हो आप एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब एक कार को आपने देखा इस रोड पे चल रही है, ये कार यहाँ पे है, ये आपने ऊपर से नीचे देखा, ये एंगल कितना बन गया आपका 30 डिग्री, लिख दो इसको 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि ये जो कार है ना, ये कहाँ किसकी तरफ बढ़ रही है, टावर की फुट की तरफ, मतलब कार की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इधर है और इधर ऐसे चलती है कार ऐसे। फिर कहता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड, मतलब कार की स्पीड ऐसा नहीं है कभी कम कभी ज़्यादा, एक जैसी स्पीड से ये टावर के फुट की तरफ चलती आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद आप मेरे को बताओ, 6 सेकंड के बाद ये कार कहाँ पहुँच जाएगी, भाई पहले यहाँ है और इधर आ रही है तो कहीं ना कहीं इधर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा एंगल कितना बन गया 60 डिग्री, तो देखो जब अंदर आता है एंगल तो क्या होता है, बड़ा होता है, मैं आपको बार बार यही चीज़ बताता हूँ, ये एंगल कितना हो गया 60, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों, तो आपको डायग्राम में क्या चेंज करना है, ये लाइन ऑफ साइट ऊपर बना देना, ठीक है, और 30 डिग्री वाली की अलोंग चलो तो ये 30 लिख दो, 60 के अलोंग चलो तो ये कितना लिख दो 60, बट मैं फिर कह रहा हूँ यूज इनका नहीं करना, यूज इनका करना है 60 का और 30 का, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब पहले कार यहाँ ए पॉइंट पे थी, अब कार कहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे, अब इस बी से लेके इस टावर के फुट यानी कि सी तक पहुँचने में इस कार को कितना और टाइम लगेगा, आपसे सिर्फ ये पूछा, ठीक है, और आपको गिवन क्या है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है ना आपसे आफ्टर 6 सेकंड, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगे हैं, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। आप एक क्वेश्चन अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या सब्जेक्टिव ही आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट चेंज होके आ गई, 6 की जगह आपको 10 दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ आंसर याद रख लो, ये 6 सेकंड है तो ये टाइम कितना होगा आपका, 3 सेकंड होगा, इसका आधा होगा, ठीक है, 100% आपका यही आंसर होने वाला है। होगा कैसे ये मैं आपको बताता हूँ, देखो इस टावर की हाइट को आप क्या मान लो, h मान लो, इस डिस्टेंस को आप क्या मान लो, x, और इस डिस्टेंस को आप क्या मान लो, y, क्योंकि कुछ भी अपने को गिवन नहीं है डिस्टेंस के नाम पे, तो मैंने मान लिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस x और y में एक रिलेशन पता कर लूँ, एक रिलेशन पता कर लूँ, तो अपना क्वेश्चन क्या होएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो रिलेशन कैसे आएगा वो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। आप क्या करो, इन ट्रायंगल, देखो दो ही ट्रायंगल है आपके पास, एक तो ये वाली, कौन सी, ए बी सी डी, यानी कि डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, बताओ ट्रायंगल डी सी बी में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी कि एच बाय वाई इक्वल टू 1060, 1060 कितना होता है आपका √3, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वाई √3 आ गई, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इस बड़ी ट्रायंगल की, पूरी बड़ी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए की बात करें तो बताओ परपेंडिकुलर कितना एच, बेस कितना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1030, 1030 तो कितना होता है आपका 1/√3, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपका बताओ h√3। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, h की, क्यों, इस क्वेश्चन में h का कोई रोल है ही नहीं, हमें तो x और y में रिलेशन ढूंढना है, और मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी ज़रूरत ना हो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू निकाल के और उसमें पुट कर दो, ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत नहीं है, h की, h की वैल्यू क्या पुट कर दो, y√3 पुट कर दो, अब यहाँ से जहाँ h है उसकी जगह क्या पुट कर दो, y√3, h ये रहा, देखो
एच को क्या लिखो, वाई रूट थ्री, और रूट थ्री पहले ही है तो कितना आ गया, ये थ्री वाई आ गया। तो कहने का मतलब एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया आपका, थ्री वाई। ये वाई उधर चला जाएगा तो माइनस होएगा तो टू वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, टू वाई आ गई। तो कहने का मतलब ये एक्स है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात, यानी कि ये वाई है तो ये कितनी है, टू वाई। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है बी से लेके ए, ये डबल है किसकी, इस डिस्टेंस की। भाई ये वाई है, ये टू वाई है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, डबल है। आप मेरे को बताओ, अगर टू वाई डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको 6 सेकेंड लगे हैं, तो सिर्फ वाई डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम आपको आधा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाई और ये क्या है, टू वाई, तो 3 सेकेंड लगेंगे। तो आप लिखोगे कैसे, आप जो है इसको लिखोगे कैसे, अब सो टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर, टू कवर टू वाई, टू वाई डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू कवर वाई, आधे डिस्टेंस है तो टाइम भी आता लगेगा, ठीक है, 3 सेकेंड। और यही आपको निकालना था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ये आधा कर देना इसका, ठीक है। अगर ये 10 दे रखी है तो ये 5, अगर ये 20 सेकेंड दे रखी है तो ये कितनी होगी, 10। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, ना कोई चांस। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा कि इसका आंसर कितना है, 3। और जब आपको पता है आंसर पहले ही पता होता है तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही आपको आसान लगने लगता है, ठीक है। अब हम करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले क्या होता था, आज से पहले इंपॉर्टेंट होता था, जब यानी कि कोरोना के कारण हमारा सिलेबस कम नहीं हुआ था। अब सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया, जो चैप्टर आपका 8th है, चैप्टर 8 के अंदर आपकी एक एक्सरसाइज कट कट है पूरी की पूरी, जो किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, अब की बार और लास्ट ईयर बोर्ड ने क्या कर दिया, सिलेबस से रिमूव कर दिया, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या किसी स्टेट का बोर्ड हो, जैसे हरियाणा बोर्ड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। तो इस हिसाब से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 2022 के अंदर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है, टीचर टीचर पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं आपको बता के चल रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, बस एक चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला। आप वो फॉर्मूला याद रख लेना, ताकि बाय चांस मान लो पेपर में पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन, तो आपको सोल्व करने में परेशानी ना हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। देखो, एक तो टावर है, एक तो टावर बना ही लो आप, टावर का नाम आ गया क्वेश्चन में, तो टावर बना लो, ठीक है। आपने इस टावर के टॉप पे देखा, कहाँ से, फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से, और वो दो पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड के ऊपर है, सेम लाइन के अंदर, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से आपने देखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, यानी कि एक ये वाला एंगल और एक मैं बना देता हूँ रेड पेन से ये वाला एंगल। देखो पहले आपको क्या गिवन होता था क्वेश्चन में, कि ये दोनों एंगल एक 30 का है, एक 60 का है, ऐसे कुछ गिवन होता था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, वो एंगल क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अपने को ये नहीं पता कि ये कितना है, ये कितना। आप सोच रहे होगे इसको 30 मान लो, इसको 60 मान लो, या इसको 45, इसको 45। हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों का सम 90 है, ये थोड़े पता है कि ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। एक को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा, तो बताओ मेरे को दूसरा कितना होगा फिर, 90 माइनस थीटा। भाई दो नंबर्स का सम 90 है, एक को आपने थीटा मान लिया तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, कन्फर्म है ये तो, ठीक है, ये मान लिया। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट आप h मान रहे हो वो कितनी है, 6 मीटर है। मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ये जो a पॉइंट है और जो ये b पॉइंट है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी कितनी है, एक की 4 मीटर है, एक की 9 मीटर है। कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर,
टावर के बेस यानी कि इस पॉइंट से, कहने का मतलब ये जो बी पॉइंट है ना इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 4, और बच्चे गलती से इसको 9 ले लेते हैं, ये 9 नहीं है, इस ए पॉइंट की डिस्टेंस इस टावर के बेस यानी कि यहाँ से ये कितनी है 9, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, आपने हाइट को कितना मान लिया, एच मान लिया, तो लेट हाइट ऑफ टावर को आप क्या मान लो, एच मान लो। और फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो तुरंत जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ोगे आपका आंसर, मैं आपको बता दूंगा ऐसी ट्रिक कि आप तुरंत आंसर इसका दे दोगे। ठीक है, हाइट ऑफ टावर को आप कितना मान लो, एच मीटर मान लो, एच मीटर्स। अब बताओ इस छोटी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है ये, और ये कितनी है बताओ 4, इक्वल टू 10। अब बताओ मेरे को थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा नहीं है बल्कि कितना है 90 माइनस थीटा है, एंगल कितना है ये 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला याद कर लो अगर आप कर सकते हो तो, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कोट थीटा बोलते हैं। ठीक है, आप ये मत पूछना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हट गई है चैप्टर 8 की, तो आपको रट लो 10 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कोट थीटा। तो ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, बस कुछ मत करो इसको आगे। अब बड़ी ट्रेंगल में लो टी सी ए, इन ट्रेंगल टी सी ए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो परपेंडिकुलर कितना एच, बेस कितना बताओ पूरा, ये पूरा और ये कितनी है 9, और इक्वल टू 10, और अब की बार थीटा कितना है, थीटा ही है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मैं कहता हूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई किससे कर दो, राइट हैंड साइड से। तो बताओ ये क्या होगा, एच बाय 4 और इंटू एच बाय 9 इक्वल टू कोट थीटा इंटू 10 थीटा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया है 10 और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है, आपस में 1 होती है। तो एच स्क्वेयर बाय ये कितना होता है आपका 36 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 36, एच कितना आएगा आपका 36 का अंडर रूट यानी कि 6 6 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। और यही आपको प्रूव करना था कि टावर की हाइट जो है वो कितनी है 6 मीटर है। ठीक है, ये 6 ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना एक 4 है और एक कितनी है 9 है, आप सीधा एच निकाल सकते हो कितना, इस 4 और 9 की मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर रूट निकाल देना 36 का स्क्वेयर रूट यानी कि कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरह से कर देना। जैसे मान लो आपका डायग्राम मैं ये बना देता हूँ, ये 2 पॉइंट है, ये डिस्टेंस मान लो आपकी जो है 8 है, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है, मान लो ये 8 है और ये पूरी कितनी है, मान लो आपकी 18 है। तो कहता है हाइट ऑफ टावर बताओ, ये दोनों एंगल क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, एच कितना आएगा 18 और 8 की मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर रूट निकाल दो यानी कि 144 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 12। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस तरीके से आप फटाफट आंसर बता सकते हो, और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो मैंने आपको पूरा सोल्व करने का तरीका बता दिया। बस एक चीज आपको रटनी है, 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखना है आपको, कोट थीटा, और फिर दोनों की क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल कंप्लीट। मैंने आपको 7 एग्जाम्पल करवा दिए एक एक अच्छी अप्रोच से, और मैंने आपको 16 के 16 क्वेश्चन करवा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।